गाज देखियो 12:30 बजे रात में गाड़ी ले जाकर जो है गाड़ी में बैठना है, उसके बाद टिकट कटाना है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। मैं अपने न्यू ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज हूं प्लेटफार्म पे जयनगर, और यह है हमारा ट्रेन जो जयनगर से अमृतसर तक जाती है, और यहां से मैं पंजाब जाने वाला हूं। दोस्तों बने रहेगा ब्लॉग्स में। दोस्तों यहां से 3-4 दिन का रास्ता सफ़र है हमारा, और देखते हैं कब तक। सो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा कॉलगेट ब्रश लेने के लिए, क्योंकि कल मैं घर पे भूल के आ गया था, और कल का जो भी क्लिप था ना हमारा, जो भी शूट किए थे, सभी उड़ गया। इसी कारण पता नहीं कैसे उड़ गया, डिलीट हो गया। 7 बजे का ट्रेन हमारा, 7:20 में खुलेगा ट्रेन। अभी टाइम है, अभी सुबह का 4:45 बज रहा है। सो गाइस, अभी मैं कॉलगेट और ब्रश जो है लेके आ गया। सो गाइस, अभी टिकट कटाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। कितना ज़्यादा भीड़ है, टिकट कटाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतना ज़्यादा भीड़ है टिकट कटाने के लिए यार। सो गाइस, कल का जितना भी क्लिप था हमारा ना, पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। रात में कैसे हो गया वो भी पता नहीं है। अभी फिर से ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए सुबह का, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ट्रेन लगा है जाने वाले, तो बने रहेगा ब्लॉग्स में, सभी को बताएंगे, सारा डिटेल्स देंगे। फिलहाल चलते हैं अभी ट्रेन में। टाइम अभी ना 5:19 हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो गाइस, अभी 5:20 हो चुका है। हमारा ट्रेन जो है ये वाला ट्रेन है जो लगी है। सो गाइस, हमारा ट्रेन लगा है 4 नंबर प्लेटफार्म पे, और इसी ट्रेन में हम अभी जाएंगे। पहले यहाँ जाके मुंह धो लेते हैं। गाइस, यहाँ आते ना टावर ऑटोमेटिक पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर है ना। ये देख, यहाँ पे सभी ट्रेन लगा है, और मैं इसके ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे सभी रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ऊपर में ब्रिज के ऊपर। पानी भी भरना है हमको। चलिए यहीं से बात करते हैं, तब उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। 7:20 में हमारा ट्रेन खुल जाएगा। तो गाइस, चलिए दिखाते हैं आप सभी को कितना ज़्यादा भीड़ है ट्रेन में। पंजाबी पार्टी सर, ये देखिए सब पूरा देख सके। इतना ज़्यादा भीड़ है अभी, बहुत ज़्यादा। देखते हैं बाहर रहे आदमी, ढूंढ रहा है सीट लेकिन मिल नहीं रहा है। ऐसे ही पूरा क्या आई कौन
ऊपर में हम लोग है, नीचे देखिए कितना बड़ा बड़ा है। पुराना पुल है, अभी जो है ट्रेन खुला है 7:20 में। अभी हम लोगों को लगेगा कम से कम 30 से 32 घंटा लगता है जाने में, तो 32 घंटा के बाद हम लोग पहुँचेंगे। तब तक हमारा हालत क्या होगा पता नहीं, क्योंकि बैठने का जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ये देख सकते हो। चलिए आगे चल के बताएंगे आप लोगों को सारा चीज डिटेल्स में, है ना। जयनगर से अमृतसर जाने वाली, ठीक है। अभी इतना भीड़ पड़ा है ट्रेन में, इतना भीड़ बहुत मुश्किल मुश्किल है। नीचे तो दिख नहीं रहा है, आगे भी नहीं दिख रहा। एकर सपना है देख। जग कत है जाए वाला नीचा से कतौ कतु नहीं जगह नीचा से जाए वाला बहन नीचा तक जाए वाला कतौ जगह ही नहीं। गाइस यार अभी बाहर निकल पाया है समस्तीपुर में आके, बाहर ही नहीं निकल पाया। चले अभी फिलहाल चलते हैं फिर से ट्रेन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं है। चले सीधा गाइस 2:30 बज गया और हम लोग अभी खा रहे हैं अंडा चावल। आप लोगों को बता दो मिर्ची के साथ में खा रहा हूँ, अभी गर्मी ज़्यादा है मिर्ची के साथ। चलिए स्टेशन का बात बताएंगे आप लोगों को पूरा डिटेल में, अभी तो कुछ भी नहीं बता सकते। के बोल्नु हुन्छ के बोल्नु हुन्छ के बोल्नु हुन्छ धेरै गर्मी गर्मी छ, हामी ट्रेनमा हो धेरै छ भिडमा छ गर्मीले यस्तो भएको छ बिजुक बुढो छ यो बुढो बुढो शरीफा हेर्नुहोस् त्यो बुढो है। इतना गर्मी है, अगर ये 3 पंखा ना होता तो शायद आदमी है ना बच पाता। इतना सिक्स पाइप है सभी गला देगा, इतना गर्मी है ट्रेन का। ये 3 पंखा है जो हम लोग को बचा के रखा है अभी तक, नहीं तो आदमी का भीड़ देखेंगे तो क्या है भीड़, आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी बैठा है यहाँ पे। चलिए फिलहाल अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा आप लोगों को, क्योंकि हम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं,
दिखाएंगे आप सभी को, थोड़ी भीड़ कमती होने देते हैं उसके बाद दिखाएंगे। फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रेन में तो बाथरूम तक नहीं जा पाते हम लोग, यहीं के यहीं बैठे हैं। आज यार अभी गोरखपुर पहुंच गए यार, पानी का बोतल खाली है, पानी मिलने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा जगह। यार गाइस शाम का 7 बज चुका है, अभी गोरखपुर पहुंचे हैं, ये देख सकते हैं। यार गाइस ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं पूरा फुल है, निकलने का जगह नहीं है। जैसे तैसे दिन भर में अभी निकला हूँ, अभी तो गोरखपुर में हूँ, लेकिन जैसे तैसे अभी आ गया, पानी भर लिए हैं, एक बार भी निकलने का मौका भी नहीं मिलता, इतना ज़्यादा भीड़ है। चलिए फिलहाल बने रहे हैं। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का 8 बज चुका है और हम तोरा ने देखो छियो अपन कर छियो देखो कौन का खाएगा कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेगा, ऐसे चूरा पाक पाक के हम लोग काम चला रहे भूजा हुआ है एकदम घी में, ऐसा थोड़ी है घी का भूजा हुआ चूरा है, 1 kg घी लगा है, 2 kg चूरा ऐसा थोड़ी है। जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना होगा, तो 3 दिन हो गया इसी में बैठे बैठे तो क्या करेंगे, कुछ मिल कर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बाहर निकलने के लिए ये बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते रहना होगा। चलो अभी हम लोग आ गए हैं लुधियाना स्टेशन आने वाले हैं, सुराइज अभी जाके जो है भीड़ कमती हुआ है, अभी हम लोग पहुंच गए हैं लुधियाना स्टेशन, आके ऊपर से ऊपर बैठे थे, ऊपर अभी पूरा खाली हो चुका है, नीचे आके अभी बैठे हैं जरा क्योंकि अभी खाली हो चुका है। यहाँ पे पानी भरवा लेते हैं 10 का बस के का, अभी आ गए हैं लुधियाना स्टेशन, ठीक है हमारा गाड़ी का।
चलिए गाइस हम लोग भी जलंधर उतर गए अभी, और देख जलंधर स्टेशन पे आ गए एकदम साथ। अब जो है ट्रेन को छोड़ के बाय बाय कर दिए, अब चलते हैं अपना रूम पे। यहाँ पे अपना पूरा साथी सब है ना, और ये तो फिलहाल चलिए अभी ब्लॉग बनाने का मूड भी नहीं है, बहुत भूख भी लगा है। अभी पूरा 39 घंटा हो गया हमको ट्रेन में बैठे बैठे, अभी जाके उतरे हैं ट्रेन से। चलिए रूम पे जाके आप सभी को बताएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, कितना मुश्किल का सामना करते हुए आए हमें। गाइस अभी आ गए हैं बस स्टैंड में, यहाँ से बस पकड़ेंगे उसके बाद जाएंगे कहाँ जाना है। देख रहा ये बस स्टैंड है यहाँ पे। सो गाइस अभी कहाँ आ गए हैं पता नहीं है, यहाँ से जाना है कपूरथला, कपूरथला से कहाँ जाएंगे पता नहीं, वहाँ जाके बताएंगे आप लोग। अभी फिलहाल यहाँ पे सभी आदमी वेट कर रहा है बस का, बस में जाएंगे यहाँ से, तो इंतज़ार करते हैं बस का कब बस से। हाय गाइस कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, और मैं भी अभी बिंदास हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मैं अपने जगह पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे पंजाब में धान रोपने के लिए आए हुए हम लोग सभी आदमी, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी चल रहा है, मोटर चल रहा है, और ये एरिया है हमारा रहने का। देख ये घर है जिसमें हम पूरा सामान वगैरह रखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख ऐसा घर है, हम लोग का बैग यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये जो है ना बैग रखा है। और जितने भी आदमी हैं ना हम लोग का साथी, जितने भी थे मेरा साथी जितने भी थे, सभी आदमी चले गए धान रोपने के लिए, क्योंकि कल आए और रात हो गया, मैंने ब्लॉग भी नहीं कर पाया कुछ। और ये ब्लॉग ना चार दिन से चालू। अभी मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, देख सकते हैं, ये देख यहाँ पे हमारा दाल जो है बन रहा है, अभी दाल बन रहा है यहाँ पे, आटा गूंद के रखे हैं, दाल और रोटी बनाएंगे। ये देख मैंने आटा गूंद के ना यहाँ पे रख के, ये निकल नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आटा गूंद के रखा है, अभी रोटी बनाएंगे यहाँ पे। रोटी बनाने के बाद ना मेरा मोबाइल में अभी चार्ज भी नहीं है, जो आप लोगों को अच्छा तरह से बताऊंगा। तो फिलहाल गाइस ना चार दिन से ब्लॉग चालू है, ये ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।